अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आसिफ सलीम, आई एम फ्रॉम द एड्रेस रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बैंक अकाउंट कराची के अंदर। ये दो प्रीसेट ऐसे हैं जो कि हाई एंड उसके अंदर आते हैं, और इसकी क्या एमिनिटीज़ हैं इसके आसपास, और यहाँ पे आपको जो है बेनिफिट क्या होगा लेने में, और यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से भी सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। प्लस इसके अलावा यहाँ की जो है करंट प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा, और प्लस इसके अलावा यह जो मेन गेट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और क्या कहते हैं यहाँ पे डिप्रेशन से के हवाले से भी थोड़ी सी गाइडेंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। प्लस इसके अलावा आप अगर कोई मुझसे पर्सनली रब्ता करना चाहते हैं किसी भी किस्म की डिटेल्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे भी आप मुझसे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। प्लस इसके अलावा वीडियो यूट्यूब चैनल जो है ये सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिल्कुल, आपको जो है फ्यूचर जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं, हम इस वीडियो के अंदर मैं जो बात कर रहा हूँ पेशेंट क्या कहते हैं, दो पेशेंट है, एक 500 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी का पेशेंट है और एक जो है वो 1000 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी का पेशेंट है। तो और ये दोनों जो है यहाँ पे बहुत पोजीशन मिल चुकी है और यहाँ पे बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन भी जारी है। ये सबसे पहले तो मैं चलूँगा 500 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी, और इसके हवाले से मैं बता दूँ ये एक बल्कि नहीं, आपको मैं पहले जो है 1000 कैटेगरी के जो है उसके हवाले से बताता हूँ। ये पेशेंट 7 है जो कि मेन गेट से इसका डिस्टेंस तकरीबन अराउंड जो है 8 से 9 मिनट है, तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर ही बनता है, पर मिनट का हिसाब तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है। तो ये तकरीबन 8 से 9 मिनट की जो है ड्राइव है, और क्या कहते हैं ये बहरिए की जो बी साइड कहलाती है, जो कि जिले की लेफ्ट साइड कहलाती है। जैसे ही आप जो है मलिक स्क्वायर से आप हेड ऑफिस की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा ही आगे आप जाएंगे तो क्या कहते हैं हेडवे भी आएगा, उधर से आप जैसे ही लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे पेशेंट 6 से पहले जो कट है वो ब्रिज से आप होते हुए पेशेंट 7 की तरफ चले जाएंगे। जी हाँ, और ये पेशेंट 7000 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी का पेशेंट है, और बहुत ही यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारे प्लॉट जो हैं वो लेवल के प्लॉट हैं, और यहाँ पे डिप्रेशन के भी प्लॉट हैं, लेकिन बहुत कम प्लॉट हैं जो कि डिप्रेशन के हैं। और डिप्रेशन के हवाले से मैं आपको एक बता दूँ अपडेट, लोग यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन आपकी जो है थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर, क्या कहते हैं डिप्रेशन वाले प्लॉट्स के अंदर, अगर आप अपना जो है वो प्लॉट के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो डेफिनेटली तकरीबन आपको 30 से 35% इवन के 40% तक आपकी जो है कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। डेफिनेटली पूरी जो है ग्राउंड वगैरह बनता है, और क्या कहते हैं तकरीबन 8 से 9 फीट का जो है डिस्टेंस, अगर 8 या 9 फीट का जो है अगर डिप्रेशन है तो उसके बाद से जो है वो बहरिया जो है अप्रूव कर देता है कि आप इस पर जो है वो बेसमेंट वगैरह बना सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम है तो फिर आपको जो है उसको फिलिंग करके लेवल ग्राउंड लेवल तक लेके आना पड़ता है, जो कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी उसकी जो है वो भराई की बनती है। तो इस वजह से जो है लोग डिप्रेशन वाले प्लॉट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उसके अंदर दोनों ही सूरतों के अंदर जो है थोड़े से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी इसके बेसमेंट के हवाले से डिटेल्स थी। प्लस इसके अलावा जो है इसकी करंट रेट है वो भी अभी आपके साथ में शेयर करता हूँ, जो कि आप अगर चाहें तो क्या कहते हैं बहरिया हाइट्स की तरफ से जो एंट्रेंस है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वो मोस्टली वहाँ के जितने भी प्लॉट्स हैं वो लेवल के प्लॉट हैं और हाइटेड के लोकेशन के प्लॉट हैं, और जैसे ही आप क्या कहते हैं 6 की तरफ जो बिल्कुल नीचे वाला एरिया जो ब्रिज की तरफ से एंट्रेंस है वहाँ उस तरफ जाएंगे तो वो आपको जो है थोड़े से वहाँ पे डिप्रेशन वाले प्लॉट भी हैं, इसके अलावा उसकी हाइट एज कम्पेयर टू जो फ्रंट वाला एरिया है वहाँ से थोड़ी सी कम है। प्लस इसके अलावा जो हाइट्स की तरफ के प्लॉट्स हैं वो उनकी प्राइस थोड़े से इंक्रीज है, प्लस इसके अलावा वो उनकी एक्सेस बिल्कुल 10A के जो मार्केट है वहाँ से भी जो है बिल्कुल करीब है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और अगर आप क्या कहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और बिल्कुल ये दोनों पेशेंट बहुत बेहतरीन हैं और फ्यूचर में इसका जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको बेनिफिट भी हो सकता है। और जहाँ तक बात है इसकी जो है टैक्स ट्रांसफ़र और पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस वगैरह की, तो मैं आपको इसे बता दूँ तकरीबन 9,60,000 के करीब आपको जो है इसके पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पड़ेंगे 1000 स्क्वायर यार्ड की, और इसके जो है ट्रांसफ़र अमाउंट जो है वो
क्या कहते हैं 3,05,400 रुपये है जी हाँ, 3,05,400 रुपीज़ जो है ट्रांसफ़र अमाउंट है। तो ये दोनों चीज़ें प्लस होके आपका तकरीबन अराउंड, और जहाँ तक प्राइस इसकी करंट प्राइस की बात है तो यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा क्या कहते हैं 2,60,000 से लेके 2,70,00,000 2,75,00,000 के दरमियान आपको जो है यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। और इवन के 2.5 करोड़ के दरमियान भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा दो कैटेगरी के जो प्लॉट हैं। और डेफिनेटली अगर आप हाई एंड पे जाएंगे तो वो कैटेगरी के प्लॉट होंगे, इवन के तीनों कैटेगरी भी हो सकती हैं, तो वो इस वजह से जो है प्लॉट थोड़े हाई रेट के हो जाते हैं। और अगर आप इस पे जो है क्या कहते हैं प्लॉट लेकर जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाएंगे तो 6 से 8 महीने के अंदर जब तक आपको जो है प्लॉट कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा 1 साल के दरमियान, तो इसकी इनकी प्राइस जो है वो ऑलरेडी आपको जो है 10-15% जो है इंक्रीज कर जाएगी, वो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। प्लस इसके अलावा जो है मैं सेकेंड प्रेशेंट है उसकी तरफ जाता हूँ जो कि प्रेशेंट 4 है जी हाँ, 500 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी का प्लॉट है यहाँ पर। और मोस्ट ऑफ द प्लॉट जो है वो क्या कहते हैं अच्छी कैटेगरी के प्लॉट हैं, कुछ एरिया जो है इसके अंदर डिप्रेशन के प्लॉट हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे प्लॉट हैं यहाँ पर। प्लस इसके अलावा ये जैसे ही आप मलिक स्क्वायर से क्या कहते हैं राइट साइड की तरफ जाते हैं तो वो मिडवे ये आता है हेड ऑफिस, उसके बिल्कुल सामने ही आपको जो है पड़ेगा। और जिस इसके जो जितने भी फ्रंट साइड पे कमर्शियल है मोस्ट ऑफ द कमर्शियल ऑलरेडी फिनिशिंग के मराहल में है, बहुत सारे कमर्शियल जो है वो बन चुके हैं और बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। 500 स्क्वायर यार्ड के लोग जो है अपने प्लॉट कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं ऑलरेडी। और जहाँ तक बात है इसकी जो है पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस, तकरीबन 3,20,000 जो है वो इसकी पोजीशन अमाउंट है और यूटिलिटी चार्जेस जो है वो 4,06,000, तकरीबन टोटल अमाउंट 7,25,000 के करीब बनते हैं। और ट्रांसफ़र अमाउंट जो है इसकी ट्रांसफ़र अमाउंट 1,54,800 रुपये है। तो ये टोटल अमाउंट जो है वो तकरीबन बनती है 9,00,000 के करीब जो है पोजीशन यूटिलिटी चार्जेस प्लस के अलावा ट्रांसफ़र अमाउंट। और जहाँ तक बात है टैक्स की तो टैक्स आप अगर फाइलर हैं तो 2% आपको पे करना पड़ेगा, बेशक आप फाइलर हैं नॉन बायर हैं या सेलर। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको अगर बायर हैं तो 7% पे करना पड़ेगा और अगर आप सेलर हैं तो आपको 4% पे करना पड़ेगा। ये चीज़ जो है एक आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। प्लस इसके अलावा डिस्टेंस के जो बात है मेन गेट से लेके आपको जो है तकरीबन यहाँ पे 6 से 7 मिनट लगेंगे यहाँ पे प्रीसिंक्ट 4 तक पहुँचते हुए। और ये भी हाइटेड तकरीबन मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स यहाँ पे हाइटेड के प्लॉट हैं। और जहाँ तक बात है इसकी करंट प्राइसेस की तो तकरीबन आपको जो है 1,85,00,000 से लेके तकरीबन 2,10,00,000 के दरमियान आपको जो है 500 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी के प्लॉट जो है वो डेफिनेटली कैटेगरी में जाएंगे। तो 2,05,00,000 2,10,00,000 15,00,000 के दरमियान आपको जो है हाई एंड वाले प्लॉट मिल जाएंगे, लेकिन लोअर एंड वाले जो है वो 1,85,00,000 से लेके 1,90,00,000 तक के दरमियान आपको मिल जाएंगे जो जी हाँ। और पोजीशन यूटिलिटी ट्रांसफ़र वगैरह टैक्स वगैरह की आपको मैंने डिटेल्स बता दी हैं। और आप अगर उनसे रब्ता करना चाहें और कोई भी किसी भी किस्म के इस हवाले से डिटेल्स चाहते हैं तो वो भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और बहरिया ने जो है न्यू डील भी इसी के बिल्कुल साथ आउट ऑफ बाउंड्री जो है इनके पास जगह अवेलेबल थी वहाँ पर लॉन्च किए हैं पेशेंट 7 की फ्रंट साइड पर और पेशेंट 4 की फ्रंट साइड पर जो बाउंड्री के बाहर जगह है, तो वहाँ पे भी इन्होंने जो है बुकिंग के ऊपर अमाउंट लिया था। लेकिन वो अभी प्लॉट जो है इनको क्या कहते हैं वो आपको किस्तों पे प्लॉट इनसे बेहतर रेट में मिल जाएगा। डेफिनेटली वो आपको जो है पोजीशन नहीं मिला हुआ क्योंकि वो उसमें टाइम लगेगा जब तक आप वो पूरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उस वहाँ पर डेवलपमेंट भी होती रहेगी, उस टाइम के दरमियान जो है इसकी प्राइसिस वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आपके साथ मेरी डिटेल शेयर करनी थी। 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट वहाँ पे जो है 2 करोड़ के अंदर मिल जाएगा और 1,000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है वो 3 करोड़ के दरमियान आपको मिल जाएगा। तो वो अमाउंट जो है वो बुकिंग की है। तो ये एक इन दो ऑपरेशन के हवाले से डिटेल्स थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।